ब्रिज का जो सिस्टम है आप देख सकते हो कैसा कैसा ब्रिज बनना है यहाँ पर। और इस गांव के जो भाई किनारे से रोड जो के जा रहा है, जो भाई रोड की लाइनें हैं वो देखो इतनी ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। ये टू लाइन है यहाँ पर, एक दो सामने और इधर। यहाँ की जो भाई लोकेशन में बता रहा था तो ऐसा कुछ देख सकते हो यहाँ पर, जो भाई यहाँ पर एकदम खुदाई कर दी गई है। यहाँ पर रोड था यहाँ पर जो शेखपुर को। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, एक वीडियो और गंगा एक्सप्रेस रोड की। तो फिलहाल अभी खड़े हैं भाई हम जो गांव जिला बदायूं के एक गांव में छोटे से, तो उसके किनारे से होकर जा रहा है ये रोड। तो फिलहाल ये बन रहा है मेरे पीछे ब्रिज। और भाई वीडियो करते हैं बैक कैमरे से शुरू और वीडियो बनाना लास्ट तक। भाई इस लोकेशन को देख सकते हो, यहाँ पर जो रोड था यहाँ पर जो कल तक बिल्कुल चालू था रोड, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये रोड था भाई बंद कर दिया गया है। मट्टी भाई हटा दी गई है, मट्टी लगा दी गई है साइड से और बिल्कुल बंद है, आगे के लिए कोई जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कुछ आगे जो भाई बनने वाला है टोल प्लाजा ब्रिज, तो भाई इसीलिए जगह खोद दी गई है। और यहाँ पर भाई जो काम चल रहा है आगे एक ब्रिज बनने आया है, और ब्रिज भाई दोनों साइड बराबर बराबर बन चुका है, क्लियर एकदम हो गया है। और यह लोकेशन है भाई जो है फतेहपुर गांव की। तो यहाँ से कुछ चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ की जो भाई लोकेशन में बता रहा था तो ऐसा कुछ देख सकते हो यहाँ पर, जो भाई यहाँ पर एकदम खुदाई कर दी गई है। यहाँ पर रोड था यहाँ पर जो शेखपुर को रोड गया था, और अभी इसकी खुदाई हो चुकी है जेसीबी द्वारा। भाई अभी हाल ही में थोड़ी ही देर पहले ही इसकी खुदाई हुई है, ताज़े ताज़े मिट्टी दिखाई दे रही है एकदम। और यहाँ भाई जो टनल निकाला जाएगा वो उसकी जगह है, इसलिए भाई ये इसी की सीध यहाँ पर बैठी हुई इसीलिए। और यहाँ से भाई रोड निकल के जा रहा था थोड़ी उल्ली साइड से। यहाँ का भाई जो कुछ देख सकते हो, जो यहाँ पर भाई मिट्टी मिट्टी पड़ के तैयार हो गई है एकदम। और इधर साइड में थोड़ी एक तार भी नहीं हुई है, मतलब दूसरा करके फिर से मिट्टी पड़ लग रही है। इस साइड से भाई कुट फुट के एकदम तैयार हो चुकी है। ऊपरली साइड भाई ऊपर भाई वहाँ पर रोड भी पड़ चुका है अभी। और यह लोकेशन है भाई जो शेखपुर का, भाई शेखपुर का जो मंदिर है यहाँ पर, यहाँ सामने मंदिर है वहाँ की लोकेशन है यहाँ पर। तो यहाँ कुछ अच्छा खासा काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। और यह मिट्टी यहाँ पर भाई पड़नी शुरू हो गई है दूसरा करके। और अभी फ़िलहाल इस जगह का जो अभी फ़िलहाल थोड़े दिनों पहले तो बंद हो गई थी पड़नी, कहीं काम पेंडिंग हो जाता है तो कहीं कैसा भी। भाई सामने से एक ट्रक आ रहा है मिट्टी लेकर, बहुत दूर है, दिखाई दे जाएगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है भाई। देख सकते हो भाई जो मिट्टी पड़ी हुई है यहाँ पर, तो भाई एक ट्रक में इतनी जो तीन जगह उतरी हुई है एक ट्रक में इतनी मिट्टी आ जाती है फिलहाल। और एक आगे भाई चल रही है नई जेसीबी, अभी फ़िलहाल आई है, नवी नवी दिखाई दे रही है यहाँ से। तो और देखो यहाँ से जो मिट्टी भाई पड़ी हुई दिखाई दे रही है आपको अभी फ़िलहाल, अभी और पीछे भी पड़ रही है। और ये वाली लाइनें हैं जो भाई ऊपर वाली, तो ये लाइनें बन के भी कम्प्लीट हो चुकी हैं भाई। मेरे पीछे जो देख सकते हो ब्रिज, तो भाई मैंने यह वीडियो में दिखाया था सबसे पहले जब ठंडों का मौसम था, तो भाई इस जो साइड का पीछे वाला दिखाई दे रहा है ये बनके तभी तैयार हो चुका था। अब ऊपरली साइड वाला अभी बनके तैयार हुआ है लमसम 4 महीने के गैप में, जब टाइम था भाई जनवरी फरवरी का और अभी जून चल रहा है, तो अभी तो बन के एकदम कम्प्लीट हो चुका है यहाँ का सिस्टम है। और यहाँ से ऊपरली साइड की भाई लाइनें वो भी कम्प्लीट हो गई, वो मंदिर है वहाँ पीछे भाई। और देखते हैं आगे की तरफ। और जो भाई रोड की लाइनें हैं वो देखो इतनी ज़्यादा क्लियर हो चुकी हैं। ये टू लाइन है यहाँ पर, एक दो सामने और इधर, दोनों लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। वैसे भाई वो तीसरी लाइन है वो भी कंप्लीट हो गई है, अभी तीन लाइनें यहाँ पर कंप्लीट हो गई। और सामने भाई दिखाई दे रही है एक जो चल रही है जेसीबी। भाई 15 तारीख की एक खास वीडियो है भाई, अगर यहाँ तक कोई देख रहे हो तो उस पर जाके भाई उसको जरूर देख लेना, 15 तारीख को एक वीडियो आएगी। और फिलहाल भाई कहीं कहीं तो इसका जो नदी का टाइप जो पानी निकलने वाला सिस्टम है नहीं चल नदी वाला, तो भाई कहीं कहीं तो ये काम भी शुरू हो गया है या साइड से भाई जो पानी निकल के जाएगा साइड से। और इस बीच में जो बीच में भाई नहीं है इतनी जगह, ये वाली जगह जो दिखाई दे रही है मिट्टी वाली, इसमें लगेंगे पेड़ भाई। इसकी रोड की इस बीचों बीच में जो नाली दिखाई दे रही है इसमें पेड़ लगेंगे, और पेड़ भाई सजावट के लिए होंगे।
चल रही है भाई जो जेसीबी। और इनका जो आगे एक रुकने का प्लांट है यहाँ पर भाई, जो पानी के टैंकर भरे जाते हैं और रात में रुकने का भी सिस्टम यहीं पर है, जो वर्कर रुकते हैं यहाँ पर। और ये वाली लाइनें देखो यहाँ पर आकर भाई ख़त्म हो गई, यहाँ से आगे के लिए पड़ी हुई नहीं है। और इससे आगे के लिए बहुत ज़्यादा नीचा आए, वहाँ पर मिट्टी पड़ेगी पहले, फिर लाइन क्लियर होंगी। और मैं भाई जो साइकिल से आता हूँ यहाँ पर तक, तो भाई ये जेसीबी देख सकते हो भाई किस प्रकार की है यार, बिल्कुल ट्रैक्टर की जैसी जेसीबी दिखाई दे रही है। इसकी बनावट कुछ अलग ही है, छोटी टाइप की है थोड़ी, उससे बड़ी नहीं है। ये सारी की सारी जगह भाई गंगा एक्सप्रेसवे रोड की है। और गंगा एक्सप्रेसवे रोड की एक लाइन यह भी है, ये सबसे साइड वाली लाइन है, एक साइड वाली और इस साइड से। और ये गांव के भाई पास में ही है, गांव के पास वाली लाइनें ज़्यादा चालू करी जा रही हैं, क्योंकि निकलने के लिए भाई जो रास्ता था वो बंद हो चुका है, और जो उसमें की बनाई जाएंगी उनसे ही भाई रास्ता बनेगा। तो अभी फ़िलहाल जो भाई बादल टाइप का होने लग रहा है, तो बारिश भी हो सकती है यहाँ पर, तो इसीलिए भाई वीडियो जल्दी सुनसान पर चलते हैं। और यहाँ भाई जो है इनका खाने पीने की दुकान है, एक छोटी मोटी रख ली है गाँव वालों ने। ब्रिज का जो सिस्टम है देख सकते हो कैसा कैसा ब्रिज बना है यहाँ पर। और इस गांव के जो भाई किनारे से रोड जो के जा रहा है, ये गांव है। और मेरे सामने एक भाई इसका लेंटर पड़ा था नीचे वाला, अभी तो फिलहाल बिल्कुल ज़्यादा काम हो गया इस पर। और इसकी भाई जो उल्ली साइड है भाई थोड़ा कम बना है, पल्ली साइड थोड़ा ज़्यादा बन गया है। और यहाँ भाई इनके रुकने का तंबू था, ये बैग वैग टंगी हुई है कट्टे वट्टे, और अब उखेड़ दिया है, लगता है कहीं और रहने लगे हैं। और यहाँ की जो लोकेशन है भाई आगे देख सकते हो, आगे वो ट्रक वाला मिट्टी वाला ट्रक चल रहा है। यहाँ से भाई देख सकते हो रोड का कुछ जो काम है यहाँ पर, जो ऊपर वाली लाइनें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं, और मैं यहाँ खड़ा हूँ ये भी कंप्लीट हो चुकी है। और आगे एक जेसीबी भी चल रही है, जो भाई दो कारें खड़ी हैं वो जो बड़े भाई सर होते हैं इनके वो ही हैं। तो यहाँ कुछ इस साइड से देख सकते हो भाई घास घूस बहुत ज़्यादा जमी आई है यहाँ पर, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं इसको पड़े हुए लाइन को, इस लाइन को लमसम 2 महीने हो चुके पड़े हुए, और उनको भी 1 महीना हुआ ऊपर वाली को। तो वहाँ पर जो कार चल रही है वहाँ पर भाई अभी तक कोई ज़्यादा कुछ काम हुआ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल आ रही है आंधी और बारिश भाई, तो यहाँ का कुछ मौसम तो अच्छा खासा है, मगर हवा थोड़ी तेज़ लग रही होगी भाई। यहाँ का सीन देख सकते हो जो यहाँ पर भाई, जो सोच रहे होगे ये लाइन बिल्कुल पढ़ के तैयार हो गई है, इसका काला रंग है, तो भाई यह कुछ नहीं है, ये वाला जो कार का भाई तेल होता है वो ही पड़ा है इस पर, केवल भाई रोड नहीं पड़ा है, जो बजरी फजरी भर के तैयार हो गई है, मगर बिल्कुल कम्प्लीट नहीं हुआ है काम। और इधर की लाइनें हैं जो भाई इधर साइड में, तो भाई इधर मिट्टी पड़ गई इतनी कितनी रह गई है, 1 महीने से काम पेंडिंग पड़ा है दोनों लाइन पर। और कुछ काम चल रहा है यहाँ पर जो ब्रिज का भाई, और भाई यहाँ से कुछ हवा ज़्यादा तेज़ आ रही होगी। फिलहाल यहाँ जो भाई साइड वाली लाइन है लोकल लाइन, तो इधर साइड से देख सकते हो गांव की वो है खेती बाड़ी हो रही है इधर, और इधर साइड से जो भाई दो लाइनें निकलेगी वो वाली जगह है। फिलहाल जो भाई बहुत दिनों से भाई काम चल रहा था इस लाइन पर, और यहाँ के पास में ही था एक मंदिर भाई, जो वहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई इनका तंबू दिखाई दे रहा है, तंबू यहाँ पर ही था एक मंदिर बहुत बड़ा, और एक 2-4 घर भी रहते थे यहाँ से उखड़ के भाई हटा दिए गए हैं, क्योंकि भाई 1-2 घर है इसलिए हटा दिए गए, अगर बड़ा गांव होता तो भाई साइड से निकाल लेते हैं ये लोग। तो देखते हैं कुछ आगे की तरफ, और ठीक है यहाँ देख सकते हो जो भाई बारिश के कारण इतनी ज़्यादा मिट्टी इनसे ढुल गई थी, और बहुत जगह तो भाई बहुत ज़्यादा चली गई थी, देखो यहाँ से कितनी जगह तक, और इधर ऐसे भाई अखीर तक ऐसा करके जब बारिश हुई थी तो इसकी साइड से मिट्टी कट गई थी, कटान मार जाती है भाई पानी में, इतनी ज़्यादा ताकत होती है। और इन लाइनों पे भाई जो रेता पड़ा हुआ है उन पे कुछ नहीं हुआ ज़्यादातर, जो पानी भाई उतर के एकदम
इतनी वर्षा हुई उतनी ज़्यादा भी जाया करता था ये। और फिलहाल इस जगह का अच्छा खासा वो चल रहा है भाई काम, और आगे की तरफ भाई और ज़्यादा तेज़ काम चल रहा है इससे। और भाई ये रोड की जो नीचे की साइड है, यहाँ से देख सकते हो कि ये जो साइड वाली लाइन है भाई, इसकी इतनी ऊंचाई है, और जो भाई बीच वाली लाइन है उनकी तो और इससे भी ज़्यादा ऊंचाई है। मेरी साइकिल खड़ी है ऊपर, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो भाई बहुत ज़्यादा ऊँचा है, यहाँ से लमसम 8 फुट 8-9 फुट ऊँचा है, 8-10 फिट, कि मेरी 5 फुट 4 इंच है भाई, तो मैं भी इसके सामने बहुत ज़्यादा नीचा हूँ, तो मतलब मुझसे दोगुनी 12-13 फुट होगी ऊंचाई इससे कम से कम। और यहाँ की जो भाई ऊंचाई की बात करें तो बहुत बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची हैं यहाँ पर जगह।